नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूं कि मकर संक्रांति से पहले ऐसी कौन सी राशियां हैं जिन राशियों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि मकर संक्रांति से पहले ही कुछ ऐसी राशियां हैं जिन पर जमकर बरसने वाली है माँ लक्ष्मी जी की कृपा। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है और कौन सी हैं वो राशियां। दोस्तों, इस साल 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मकर संक्रांति से पहले 13 जनवरी को मंगल वृषभ राशि में मार्गी हो रहे हैं और बुध ग्रह धनु राशि में उदय हो रहे हैं। मंगल के मार्गी होने से और बुध के उदय होने से सभी 12 राशियां प्रभावित होंगी। कुछ राशि वालों को शुभ तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए जानते हैं उन राशियों के बारे में जिन्हें मकर संक्रांति से पहले जिनकी राशि में जिनके भाग्य में भाग्योदय होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि की। तो दोस्तों, कार्यों के प्रति उत्साह रहेगा इन राशि वालों को, परंतु बातचीत में संतुलित रहने की आवश्यकता है। धर्म कर्म के प्रति रुझान आपका बढ़ेगा और माता पिता का सहयोग जो है वो आपको मिलने वाला है और माता से आपको धन प्राप्ति के योग हो सकते हैं। आपको किसी मित्र का आगमन आपके यहाँ हो सकता है और बौद्धिक कार्यों से धनार्जन होगा। साथ ही साथ नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। परिवार के संग किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जाना भी हो सकता है। बात अगली राशि की, तो दोस्तों मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को कारोबार के विस्तार की योजना साकार होंगे। भाइयों का सहयोग मिलेगा लेकिन परिश्रम की अधिकता आपके पास रहेगी। घर परिवार में आपके कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं। वस्त्र आदि उपहार भी आपको मिल सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन के साथ साथ दूसरे स्थान पर भी आपको जाना पड़ सकता है। आयात निर्यात के कारोबार में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। माता का सानिध्य मिलेगा। वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है। नौकरी में अवसरों का आपको सहयोग मिलेगा। बात अगली राशि की, तो दोस्तों कर्क राशि। आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे कर्क राशि वाले, लेकिन आत्मसंयम रहें और घर परिवार के सुख सुविधाओं का विस्तार होगा आपका और कार्य क्षेत्र में परिवर्तन संभव है। परिश्रम के आपके साथ अधिकता रहेगी। माता का सानिध्य व सहयोग आपको मिलेगा। लाभ में वृद्धि की संभावना है। नौकरी में अवसरों का आपको सहयोग मिलेगा। बात अगली राशि की, तो दोस्तों बात है ये तुला राशि की। तो तुला राशि वाले आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। अध्ययन में आपकी रुचि बढ़ती रहेगी। नौकरी में परिवर्तन की संभावना बन रही है और आपका किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है और आपको भाइयों के सहयोग से, परंतु परिश्रम की अधिकता जो है वो ज़्यादा रहेगी। इससे आपको बड़ा फायदा होगा और धार्मिक कार्यों में शामिल होने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपका समय बहुत ही अच्छा व्यतीत होने वाला है और आपकी दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव आपको मिलेगा। तो दोस्तों, ये है कुछ ऐसी राशियां जिन राशि वालों को मकर संक्रांति से पहले ही बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं और इन लाभ से आप लोगों को बहुत ही ज्यादा सुख शांति प्राप्त होने वाली है, धन मिलने वाला है। तो अगर आपकी इनमें से कोई भी राशि है तो आप हो जाइए खुश, क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ।